The surest way to make your dreams come true is to live them. So, I'm living my dream and I can tell you. Let's get back to where it all started. When I scored more than 95% in class 10th, वहीं पापा ने सोचा बेटा आईआईटी तो निकाल ही लेगा. उसके बाद क्या ही था. आई स्टार्ट माई जेई प्रेप विद फुल डिटरमिनेशन एंड वर्क एज हार्ड एज आई कुड. आई स्टडीड डे एंड नाइट फॉर दिस एग्जाम एंड फाइनली क्रैक्ड इट एंड आई वॉज एबल टू मेक इट टू वन ऑफ द टॉप आईआईटीज आईआईटी दिल्ली. सो देखते हैं कैसा रहा मेरा फर्स्ट ईयर इन माई ड्रीम कॉलेज. ऑनेस्टली आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर रोलर कोस्टर राइड से कम तो नहीं था. सफर की शुरुआत होती है मम्मी पापा के साथ आईटी डे के सामने एक प्यारी सी फोटो खिंचवाकर. फिर मैं अपने अलॉटेड हॉस्टल की ओर निकल पड़ता हूँ और एक नज़र अपने रूम पर भी डाल ली थी. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज स्केर्ड. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज स्टेइंग अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स. घर से दूर हॉस्टल में रहना क्या होता है मुझे उसका अंदाज़ा भी नहीं था. पहला हफ्ता थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज आई हैड नो वन. नो फैमिली नो फ्रेंड्स आई वॉज ऑल अलोन. बट देन आई मैच सम फेसेस. वो चेहरे जिन्हें हम दोस्त कहते हैं जिन्होंने एक अलग ही जगह बना ली थी मेरी दिल और जिंदगी में. फिर आती है मेरी बर्थडे. सबसे पहले आई थी नौ द फ्रेशर्स. तब तक हम एक दूसरे को इतना नहीं जानते थे विच हेल्ड मी एज मुझे ज़्यादा नहीं मारा था. मेरे बाद जिसकी बर्थडे आई उसको बख्शा नहीं गया. जीपीएल से बेहतर जितनी मस्ती मैंने अपने फर्स्ट ईयर में कर ली थी उतनी पूरी लाइफ में नहीं करी थी. बीट दोस्तों के साथ रैंडमली नाचना. एग्जाम से एक घंटे पहले कॉरिडोर में क्रिकेट खेलना. रैंडमली किसी को भी मार देना. जी हाँ मुझे ही मारा जा रहा है यहाँ पे. कॉरिडोर्स में फुटबॉल खेलना. प्रोफेसर से मस्ती करना. बच्चों की तरह झूले झूलना और फिर डोरेमोन गाना गाने लग जाना. पढ़ते पढ़ते पुशअप्स मारने लग जाना. लाइब्रेरी में फीफा फाइनल का मैच देखना. डोगरा हॉल में नारे लगाना. रात में मूवी पर निकल जाना और मूवी अच्छी ना लगे तो ये करना. सुबह 6 बजे तक जगना सनराइज देखने के लिए. जेएनयू कैंपस में घुस जाना वो भी आधी रात में. ओमेगल पे स्ट्रेंजर्स से बात करना. पेड़ पर अचानक से चढ़ने की इच्छा होना. म्यूजिक रूम में इंस्ट्रूमेंट्स की ऐसी की तैसी कर देना. अपने फ्रेंड से मलयालम सीखना. इंटर और तो स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में एंटी चेयरिंग करना और फिर जीतने का धमाकेदार सेलिब्रेशन करना. आग से खेलना. एनी लिस्ट कभी खत्म नहीं होने वाली है. दिल्ली की बारिशें तो अलग ही फील ला देती थी कॉलेज लाइफ में. उस टाइम कैंपस में घूमना रास्ते में फंस जाना. दोस्तों के साथ सॉन्ग्स रिकॉर्ड करना. रूफ में साथ में बैठ के जैमिंग करना. कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स. तो मस्ती तो काफी की फर्स्ट ईयर में. पर सीखा क्या. सो आई जॉइंड अ फ्यू क्लब्स. डिबेटिंग डांस एंड फोटोग्राफी एंड फिल्मिंग क्लब. नाउ डेपसॉक वॉज अ नाइस क्लब. लर्न अ लॉट फ्रॉम इट बट उतना मजा नहीं आ रहा था सो हैड टू क्विट. आई ट्राई डांस एज वेल बट फेल्ड बैडली एट इट. सो मेरे पास बचा था पीएफसी. आई स्टार्टेड क्लिकिंग अ लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स. एडिट देन ऑन लाइटरूम. वेंट टू फोटोबॉक्स विद प्यारे प्यारे लोग. बट देन आई शिफ्टेड टू वीडियोग्राफी क्योंकि उसे ज़्यादा मजा आने लगा था. आई स्टार्टेड माई ओन यूट्यूब चैनल. ऑलवेज ट्राइंग टू बी रेगुलर. नाउ कम्स द बेस्ट सेगमेंट ऑफ माई फर्स्ट ईयर विच वॉज होली. कॉलेज वाली होली और घर वाली होली में जमीन आसमान का फर्क. कपड़े फटना तो पक्का थे और टैंकर से नहाना भी. ऑब्वियसली विद अ बिट ऑफ भांग. आफ्टर होली केम द फेस्ट सीजन. यस रेंडेवू. नाम तो सुना ही होगा. एकदम अलग ही फील आ रही थी उस टाइम और लग रहा था कि जेई प्रेप वर्थ इट थी.
I also worked as a media team member in RDV, जिससे काफी सीखने को मिला मेरे को. पर कॉलेज इज नॉट ओनली अबाउट मजे, IIT में पढ़ना भी पड़ता है. अटेंडेंस पूरी करने के लिए लेक्चर हॉल जाना पड़ता है, रेगुलरली लैब्स अटेंड करनी पड़ती हैं, रेगुलर क्विजेस, असाइनमेंट्स, वाइवा और एग्जाम्स होते रहते हैं हमें परेशान करने के लिए. इट डज नॉट मीन दैट पढ़ाई इज ऑल बोरिंग, या इट इज समटाइम्स फन, सच एज डूइंग अ प्रोजेक्ट विद अ बंच ऑफ फ्रेंड्स एंड एंडेड अप मेकिंग अ वॉलनट क्रशर. जैसे ही हमारा सेमेस्टर खत्म हुआ, हमने रातों रात प्लान बना लिया मसूरी जाने का. एंड इट वॉज एन अमेजिंग ट्रिप. एक टाइम पे उन वादियों में खो जाने का मन करने लगा था. वो ट्रिप खास इसलिए थी क्योंकि दैट वॉज द फर्स्ट ट्रिप विद माई प्यारे फ्रेंड्स. फिर आते हैं इलेक्शंस, जिसमें होती है वोट्स के लिए मारामारी और पोल टू यानी पॉलिटिक्स का माहौल एक दो महीने तक बना रहता है, विच हैज बोथ प्रोस एंड कॉन्स जो कभी और डिस्कस करेंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, सो या देयर आर लॉट ऑफ कपल्स इन आईटी दिल्ली, जिनमें मेजोरिटी तो वो हैं जो बस रिलेशनशिप में है फॉर द सेक ऑफ इट. टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, सो फर्स्ट ईयर में तो कोई सीन बना नहीं रिलेशनशिप का, आगे देखते हैं क्या होता है. कॉलेज के एंड तक आते आते आ गया था हाउस डे, बेसिकली एक इवेंट जहां हम अपने 4 दिन वाले प्यारे प्यारे सीनियर्स को फेयरवेल दे रहे होते हैं. सो दैट वॉज फन एक्साइटिंग एज वेल. सो फाइनली मैं फर्स्ट ईयर के आखिर पड़ाव पे आ चुका था एंड सेम एग्जाम्स खत्म होते हुए मिल गई थी अकेडमिक से आज़ादी. And yes, college gave me the chance to grow up once again. तो college का पहला साल लाया था मेरे अंदर एक बदलाव, एक नहीं बल्कि कई सारे बदलाव. From being an introvert guy with almost no friends to a guy with so many friends, जिसको कुछ भी बोलना होता है. From a shy, underconfident guy to a guy starting his own YouTube channel. From a boy always dependent on parents to a boy becoming independent and responsible. From an extremely studious student to a guy starting to study just a day before exams. But one thing remained constant: working hard for your dreams, being persistent and determined until you reach a goal. कम इस बात का था कि कॉलेज का फर्स्ट ईयर इतनी जल्दी खत्म हो गया. एक महीने के लिए ही सही, पर दोस्तों और कॉलेज लाइफ को अलविदा कहने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था. पर अंदर ही अंदर इस बात की खुशी भी है कि आधे से ज्यादा सफर अभी बाकी है.